कथक कर्म कमावणे दोष न कहूं जो परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच न कोई कर सके किस थे रोवे रोज कीता किछु न हो गई लिखया धुर संजोग वड भागी मेरा प्रभु मिले ता उतरे सब बियो नानक को प्रभु राख ले मेरे साहिब बंदी मोज कतक होवे साध संग बिन से सबे सो कत्थक दे महीने दा उपदेश धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस प्रकार कर दे ने कि कोई भी दुख कोई भी तकलीफ कोई भी विपता कोई भी पीड़ा उस दे ले दूसरे नू भूल के भी दोषी ना ठहराई ओ तेरे कर्मा दा ही दोष है। कत्थक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग साडे देश दे प्रसिद्ध संत अवतारी पुरुष महात्मा बुद्ध ने ते कर्म नू भगवान कह दिता है। कर्म ही भगवान है, कर्म ने ही निर्माण पद दिलाना है, कर्म ने ही सुख देना है, कर्म ने ही दुख देना है, कर्म ने ही मिलाना है, कर्म ने ही छोड़ना है, कर्म ने ही आनंदित करना है, कर्म ने ही पीड़ित करना है, कर्म ही पछाड़ेगा और कर्म ही तरक्की देवेगा। जब सब कुछ कर्मां ते ही निर्भर है तो उन्हां दी रसना तो ए मुबारक बोल निकले कर्म ही भगवान है। इस वास्ते उन्होंने कर्मां ते बहुत वड्डा जोर दिता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने जित कीता पाईए आपना साघाल बुरी क्यों घालिए। जद अपना ही कीता आप पावना है तो फिर अपने कर्मा प्रति सुचेत होना बड़ा लाजमी है, बहुत जरूरी है। देखने दे चाया मनुख बहुत थाइया ते बहुत वार सुचेत रहिंदा है लेकिन कर्म प्रति सुचेत नहीं रहिंदा है। कर्म तीन तरह दे ने शरीरक वाचक और मानसिक। कुछ शरीर नाल ऐसा करना है कि दूजे दे शरीर नूं चोट पहुंचे ते कुछ मुंह नाल ऐसा बोलना है दूसरे दा अहित होवे ते कुछ ऐसा सोचना है जो दूजे लई बुरा होवे बस उस कर्म नूं ही अशुभ कर्म कहंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ते अरदास प्रार्थना जो हर गुरसिख दी जबान ते रहिंदी है और किसे हद तक ओ अंतर राष्ट्रीय पद्धर दी प्रार्थना बन गई है। देहे शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन दे कब हो न डर। बस इको ही वर दे ऐ परिपूर्ण परमात्मा कि मैं शुभ कर्मा तो भूल के भी कदी संकोच न करा। मेरे अंदर उत्साह बनिया रवे, उमंग बनी रहे शुभ कर्म करने दी। शुभ कर्म ओही है जो दूसरे लिए भी शुभ होवे और तेरे लिए भी शुभ होवे। जिड़ा तेरा कीता होया कर्म किसे लिए अशुभ हो गया, किसे लिए दुखदाई हो गया और तेरे लिए लाभदायक होवे वो अशुभ भी है। खुद दा लाभ दूसरे नु चोट ये शुभ कर्म नहीं है। अक्सर मनुख ऐसा कह देंदा है अरे मैनु कुछ प्राप्त होया है, बड़ा शुभ होया है, बड़ा चंगा होया है, पर दूजे नु चोट पहुंचा के अगर प्राप्त होया है तो ये अशुभ है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ए प्रार्थना जो सिख जगत दे प्रचलित है
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇਹੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਅਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਟਲ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾ ਤੋਂ ਜੋ ਟਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਮਝ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਇਥੇ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਇਥੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਨੇੜੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੰਖਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਉਪਮਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਖੇਡ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਵ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੌਲ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਰਾ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਰਾ ਇਲਾਜ ਨੇਸਤ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਰ ਰਾ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਰਾ ਇਲਾਜ ਨੇਸਤ, ਕਰਦਨੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਕੇਸ਼। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬਲੋ ਕ੍ਰਿਪਤ ਕਰਮ ਨਹਿ ਟੇਰੀ ਘਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਚੇ ਮੋਹ ਜਾਪੀ ਅਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਰਾਮ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਚਾਹੇ ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਜਦ ਕਰਮ ਅਮਿੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਓ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਖਰਤ ਸੁਖਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਦੁਖਰਤ ਤੇ ਸੁਖਰਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਲਚਾਨਾ ਦੁਖਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐ ਰਖਵਾਦ ਨ ਕੀਜੇ ਰੇ ਮਨ ਮਨ, ਸੁਖਰਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਰੇ ਮਨ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਵੇਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਵੇਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਖਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖ ਅਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਘਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਮ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਘਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਇਆਦਾਰ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੋ ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਖੇਡ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ
तू मेनू बिलकुल ना आखी ए परमात्मा दा खुदा दा अमिट विधान है। हां तू कर्मा प्रति बिलकुल सुचेत। भगत कबीर कहंदे ने मनुखी दुनिया विच मैं एक अचंबा देखदा कि दीवा हथ विच है रोशनी कोल है फिर भी मनुख खूह विच गिरदा है। कबीर मन जाने सब बात जानत ही अवगण करे काहे की कुसलात हाथ दी कुए परे। प्रभु ने दिमाग दे दिता है सोच शक्ति दे दिती है बुद्धि दे दिती है ये जलदा होया दीवा परमात्मा ने हर एक नु दे दिता है। फर्क सिर्फ इतना है कोई इस दीवे नु ढक लैंदा है किसी भांडे नाल या अपनी अखां ही बंद कर लैंदा है तो बुद्धि दे चानने तो लाभ नहीं लैंदा। इसका यह मतलब नहीं कि परमात्मा ने बुद्ध नहीं दिती जिसनु असीं कह देने आ कि बहुता बुद्धिमान है दरअसल उस दीवे दी रोशनी दी ज्यादा जी रहे है। जिसनु असीं मूर कह देने आ गवार कह देने आ वो उसी दीवे तो अखां मीट के बैठा है या दीवे नु उसने जो है ढक दिता है मूर हो गया है गवार हो गया है उदी जानकारी सिर्फ गांव तक रह गई है सीमित रह गई है। तो कबीर कहने मैं हैरान हां कि हथ देच दीवा ते फिर खूह देच गिरदे पैने बुद्धि कोल फिर बुद्धि दी वरतों नहीं करदे। बंदे कोल पैर होवन ते पैरां दी वरतों ना करे हथ होवन ते हथों दी वरतों ना करिए तो हथ नाकारा हो जांदे ने पैर कमजोर हो जांदे ने। जबान बोले ना तो बोलन शक्ति गवा बैठती है अखां ते पट्टी बन लईए तो अखां दी जोत सहजे सहजे मध्यम पै जाएगी कमजोर हो जाएगी। बाकी दे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रियां दा ते यथापूर्वक मनुख उपयोग करदा रहिंदा है वरतों करदा रहिंदा है पर ए जिहड़ी बुद्ध है इसकी हर थां ते मनुख वरतों नहीं करदा हर वक्त वरतों नहीं करदा। पश्चाताप ते दुख इस गल दा सबूत है किसने बुद्ध नु अगे नहीं कीता दीवे नु अगे नहीं कीता दीवे दी रोशनी तो लाभ नहीं लिया। भगत कबीर कहने कि ए जानकारी ए सियाणप ए चानना ते परमात्मा ने हर एक नु दिता है काहे की कुसला हाथ दी कुए परे। बस मात्रा दा भेद है मूर्ख ते सियाणे विच। सियाणा हो जो दीवे दी रोशनी तो पूरा लाभ ले रहा है मूर्ख हो जिसने दीवे नु ढक दिता और अकल तो कम लेना ही नहीं चाहता। मेरे देखे संसार विच ऐसे अंधियां दी तादाद बहुत घट है जिन्हां दियां अखां विच चानना नहीं नूर नहीं पर ऐसे अंधियां दी तादाद बहुत ज्यादा है जो अखां बंद करके चल दे अखां तो कम लेंदे नहीं। ऐसे पागलां दी तादाद जगत विच बहुत घट है जिन्हां दी बुद्धि कम करदी नहीं पर ऐसे पागलां दी तादाद बहुत ज्यादा है सारा संसार भरिया पिया है अकल तो कम लैंदे ही नहीं बुद्ध तो कम लैंदे ही नहीं। ते जद बुद्धि तो कम ना लिया जलदा होया दीवा कोल होया ते फिर खूह च गिरे तो फिर दोष तेरे कर्मां दा इह विच प्रभु दा की दोष। इस वास्ते कत्तक दे महीने दा उपदेश करदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने तब तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग किसे ते भी दोष न आयद करें दोष तेरे कर्मा दा परमेसर ते भुलिया व्यापन सभे रो। कर्मा दे चों सब तो शुभ कर्म है प्रभु दा चिंतन और सब तो अशुभ कर्म है उनु भुला देना ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਗਮ ਚ ਬਾਸ਼ਦ ਗਮ ਕੀ ਹੈ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦ ਏ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਕਰਨੀ ਬਸ ਇਹੀ ਗਮ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਆਂਬਾ ਮੁਨਤਿਹਾ ਉਹ ਲਾ ਇੰਤਿਹਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ उसकी याद ही खुशी है उसकी याद ही आनंद है उसकी याद ही खेड़ा है। जितना स्याणा बंदा होगा वो
करीबन करीबन यही आखेगा सुख ते उसकी याद दे चे, आनंद ते उसकी याद दे चे, ते जितना अचेत बंदा है बुद्धि दे दीवे नो एक पासे करके जी रहे है वो कभी भूल के भी याद नहीं करेगा। तो सारे दुख संताप उसनु भूल के ही पैदा हो जाते ने। इस वास्ते साहब कहते ने परमेश्वर ते भूलने व्यापन मन सबे रोग, शरीरक रोग, मानसिक रोग, फिर परिवारक रोग, आर्थिक समस्यावां, जीवन दे पता नहीं कितने रोग पैदा हो जाएंगे। भगत समस्यावां तो उच्चा उठ जाता है, संसारी समस्यावां दे विच जीवदा है, प्रभु दा चिंतन उदियां सारियां समस्यावां दा हल कर देंदा है, उदे कोल समाधान होंदा है, समस्या नहीं। इस वास्ते आख्या जांदा है जिन्हां कोल समाधान है ओही समाधि लीन है। समाधि किस कोल है? जिहदे कोल समाधान है। ते जिहदे कोल समाधान नहीं ओह ते बेचैन है, ओह ते दुखत है। तो परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रो, वेमुख होए राम ते लगन जन्म बिजो। जो परमात्मा तो बेमुख होंदे ने, ईश्वर तो बेमुख होंदे ने, अनंत जन्मां दा विछोड़ा उन्हां नूं पै जांदा। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लमे। जमदे रहिंदे ने, मरदे रहिंदे ने, जमदे रहिंदे ने, जी के दुख भोगदे रहिंदे ने, और दुख भोगदियां भोगदियां फिर मर जांदे ने, फिर जन्म दे ने। इस तरह बहुत लंबे विछोड़े पै जांदे ने उन्हां नूं जो बिल्कुल ईश्वर तों बेमुख होके अपना जीवन बतीत करदे ने। खिन में कौड़े हो गए जितने माया भोग, परमात्मा नु भुला के जितने मायकी भोग ने, जिन्हां विच ए सुख प्राप्त कर रहा सी, रस प्राप्त कर रहा सी, अचानक ही कौड़े प्रतीत होने लग पैंदे ने, क्योंकि रसां विच लीन होया मनुख आखिर शरीरक तल ते रोगी हो जाएगा, मानसिक तल ते बेचैन हो जाएगा। ते जे मानसिक तल ते बेचैन है ते शरीरक तल ते रोगी है, उदे वास्ते दुनियावी रस की मैंने रख देने? कुछ भी नहीं। मन विच बेजारी है, चिंता है, सोग है, उदे वास्ते मनोरंजन की मैंने रख देने? उदे वास्ते संसारिक सुख की मैंने रख देने? और तन विच रोग है तो उदे वास्ते पदार्थां दा रस की मैंने रख दे? इस वास्ते साहिब कहने रसां विच जो बहुत लीन है, परमात्मा नु भुला के गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फैसला भोगं तरोगं, जो भोगी है रोगी होवेगा। भोग ते रोग दोवे कठे रहिंदे ने। अनंत रोगां दा होना इस गल दा सबूत है, ये बहुत भोगी है, इस वास्ते बहुत रोगी है। संस्कृति श्लोक है गुरु अर्जन देव जी महाराज दा, भोगं तरोगं। अगर किधरे मनुख नु समझ पै जाए मैं जितना भोगी हां पदार्थां दा और तरह तरह दे होर रसां दा, इते सारे रोग पैदा करनगे, क्योंकि प्रभु दा चिंतन भोगां नु सीमित कर देंदा है, रोगां नु मिटा देंदा है। ते ज्यों परमात्मा नु भुलाईए तो भोग ही भोग रह जांदे ने और भोग असीम हो जांदे ने, जिस कारण करके शरीर रोगी हो जांदा है। भोग शरीर दी लोड़ ना रह के शरीर दा रस बन जांदे ने, और जैसे भोग रस बन गए भोग ते रोग बन गया, भोगं ता रोगं। तो साहिब कहिंदे ने खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, जितने भी मायकी रसां दे भोग सन सारे कौड़े हो गए, सारिया ने रोग पैदा कर दिता। विच ना कोई कर सके किसते रोवे रो, हुण कौन विचोला बने इन्हां दुखां नूं मिटाण वास्ते? भाव कोई विचोला नहीं, कोई मददगार नहीं। ते रोगां दा दुख मैनू ही सहारना पेगा, ये सोगी मन लेके थां थां ते मैं ही बेचैन होवांगा। कौन मेरे सोग नूं वंडे, कौन मेरे रोग नूं वंडे? कहिंदे ने संसार विच खुशियां नूं वंडण वास्ते ते बहुत आ जांदे ने, रोग कौन वंडे? जगत विच खेड़े ते खुशियां नूं मंडण वास्ते शामिल होण वास्ते बहुत सारे आ जांदे ने, पर बेचैनी कौन वंडे? सोग कौन वंडे? इते कोई भी नहीं लेना चाहुंदा। जगत विच खुशी हर एक लेना चाहुंदा है, गम कौन लवे? गम विच ते खुद जीवना पैंदा है,
अपने कोल रखना पैंदा क्योंकि कोई भी लैण नू जो है तैयार नहीं। इस वास्ते कहिंदे कौन विचोला बने ते कौन है तेरा मददगार होवे ते किस दे अगों रोज रोज दा रोना रोईए, क्योंकि रोज रोगी रोज दुख रोज संताप ते ए रोज दा जो है रोना है किस दे अगों रोईए। कीता किछु न होवई लिखिया धुर संजो, कीते होए कर्मा द्वारा धुर दरगाह तो जिस जिस दुख दा संजोग लिख दिता गया हुण कुछ भी नहीं हो सकता। हुण ते भोगना ते पछताना, इस तो इलावा झोली रिच और कुछ भी नहीं। हां किधरे कुछ ऐसे भी भाग होवन, ऐसे भी कुछ कर्म होवन जिन्हां नाल किधरे सत्संग नसीब हो जाए, प्रभु दा मिलना नसीब हो जाए, उदा मिलाप सारे रोगां दा विछोड़ा बन जांदा है और उसका विछोड़ा सारे रोगां दा मिलाप बन जांदा है। प्रभु दा मिलाप सारे दुखां दा विछोड़ा हो जांदा है और प्रभु दा विछोड़ा सारे दुखां दा मिलाप बन जांदा है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने वड भागी मेरा प्रभ मिले ता उतरे सब भी। जितने भी छोड़ियां दे दुख ने सारे दे सारे उतर जांदे ने, दूर हो जांदे ने, किधरे भागा अनुसार प्रभु दा मिलाप हो जाए, उसका चिंतन अंदर चल रहे। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहब बनमरी मौज। कत्तक दे महीने च गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने इंज अरदास करनी चाहिदी है, हे मेरे मालक, हे बंधना दे तोड़न वाले मैनू रख ले, मैनू भी ओ करम जो बंधन बन के मेरे गले च पए ने, मेरे हथां च पए ने, मेरे पैरां च पए ने, बेड़ियां बन गए ने, हथकड़ियां बन गए ने, फाइयां बन गए ने, तू बेड़ियां दे तोड़न वाला है, हथकड़ियां दे तोड़न वाला है, फाइयां दे कटन वाला है, हे प्रभु तू रहमत कर। अगर कोई कत्तक दे महीने च इस ढंग दी दिलों अरदास करे, साहिब कहने नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच, कत्तक होवे साध संग बिनसे सबे सोच। ते कत्तक दे महीने विच अरदास करदे आया सत्संग नसीब हो जाए तो सारियां व्यर्थ दियां सोचां मिट जांदियां ने, आनंद ते खुशियां खेड़े झोली विच आण विराजदे ने। कत्तक किरत पया जो प्रभ भाया, दीपक सहज बले तत जलाया, दीपक रस तेलो धन पिर मेलो, धन उमाहे सरसी अवगुण मारी मरे ना, सीझे गुण मारी ता मरसी। नाम भगत दे निज घर बैठे अजू तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कपट दर खोलो एक घड़ी खटमासा। तुखारी बारह मां दे राही गुरु नानक देव जी महाराज दा उपदेश। आप फरमान कर देने पूर्वले कीते होए कर्मा दे मुताबक जो संस्कार बने तो ही प्रगट होए इस जीवन दे च, प्रभु दी इच्छा यही है, उसकी बनाई हुई मर्यादा यही है। एक कर्म भी मनुख दा कीता होया व्यर्थ नहीं जांदा। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले, एक तिल जिन्नी कालना भी जो है किसी भी पक्ष दी व्यर्थ नहीं जाती, उन्हों भाग लग देने उदा फल प्राप्त होंदा है। तो साहिब कहने कत्तक दे महीने दा उपदेश, कीते होए कर्म कृत प्रगट होए ऐसा प्रभु नु भाया। दीपक सहज बले तत जलाया, जीव कामण ने शुभ कर्म कीते, सहज दा दीपक बालिया, सहज दा दीपक जलाया, सहज जो स्वयं तो जन्मे है,
जो अपने आप तो पैदा हो जाए। शांति दे विच हर वक्त मनुख रह सकता है क्योंकि यह सहज है, स्वयं तो जन्मी है। क्रोध अठे पैर मनुख नहीं कर सकता, स्वयं तो नहीं जन्मना, परवर्स है। ये बारों संग्रह कर दें, इकट्ठा कर दें। इसी तरीके नाल ज्ञान विच मनुख हर वक्त जी सकता है, शांति विच मनुख हर वक्त जी सकता है, प्रेम विच मनुख हर वक्त जी सकता है, पर हर वक्त नफरत नूं हिरदे च रखना बहुत औखा है। नफरत बोझ बन जाती है, नफरत भार बन जाती है, क्रोध भार बन जाता है। इस तों गल स्पष्ट हो गई कि हिरदा चुकण नूं राजी नहीं। ए बोझ ए पंड मनुख चुकण नूं राजी नहीं क्योंकि उसका सहज नहीं, स्वयं तो जन्मिया नहीं, ए उसका सुभाव नहीं है। पशु अपने सुभाव विच जी रहे ने, बस जद मनुख भी अपने सुभाव विच जीवन लगता है उन्हों कहिंदे ने ए सहज जी रहा है, ते उन्हों सभ्य भाषा च कहिंदे ने इहदे अंदर मानवता है, इहदे अंदर इंसानियत है। शेख सादी साहब कहिंदे ने इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त, लाजमी है इंसान दे अंदर इंसानियत दा होना। ऊद रागर बोना बाशद हैजम अस्त, अगर चंदन दे खुशबू ही नहीं तो एक लकड़ उन्हों चंदन आखण दी लोड़ की है। अगर मनुख दे अंदर मनुखता ही नहीं तो फिर उसनों मनुख आखण दी की लोड़ है, तो पशु है। शांति मनुखी सुभा है, अशांत होना बेचैन होना ये उदा सुभाव नहीं है, क्रोधित होना इसका सुभाव नहीं है। जो इसका सुभाव नहीं है ये उसनु अपने हृदय विच इकट्ठा कर लेंदा है, तो यही सब कुछ बोझ बन जाता है, यही बेजारी का कारण बन जाता है। साहिब कहिंदे ने कत्तक दे महीने च जीव कामण ने ऐसे कर्म कीते सहज दा दीपक बालिया, तो स्वयं तो जन्मिया शांति सबर ज्ञान प्रेम। उदिच तत दा तेल पाया, तत जलाया भाव तत वस्तु, जो सही ईश्वरी ज्ञान है उस ज्ञान करके जीव कामण ने सहज दा दीपक बालिया है। और दीपक रस तेलो धन तिर मेलो धन उमाहे सरसी, इस दीपक दे चानने विच जीव कामण सरस गई है, भिज गई है, आनंदित हो गई है, क्योंकि इस रोशनी विच इस चानने विच प्रभु दा मेल हो गया, परमात्मा दा मिलाप होया है। चानने ने ही मिला दिता, चानने ने ही आनंदित कर दिता। तो चानना की है सहज, ते सहज दे दीवे दे तेल की है तत्व ज्ञान। जद भी कोई तत्व ज्ञान दा तेल पांदा है उस दे अंदर सहज दा दीपक जल पैंदा है, उसनु फौरन पता चल जांदा है कि मेरा स्वभाव क्रोधी होना नहीं है। क्रोध दे जीवना, लोभ दे जीवना, वासना दे जीवना, अहंकार दे जीवना मेरी जिंदगी दा लक्ष्य नहीं है, ये सब कुछ मैं बोझ चुक रहा, इते ते भार है। साहिब कहिंदे ने इस तरह दा जद कोई चानना पैदा कर लेंदा है प्रभु दा मिलाप हो जांदा है। दूसरे पासे औगण मारी मरे ना सीजे, जिरी जीव कामण औगणा दी मारी होई है, उथे रस नहीं है, उथे कोमलता नहीं है, क्योंकि औगणा ने उदे उस अंधकार नु मार दिता है। औगण अंधकार है, गुण एक रोशनी है, तो एक थां ते या चानना रह सकदा है या अंधकार रह सकदा है। तो जिथे औगुण ने उथे हनेरा है, जिथे हनेरा है उथे सीजना नहीं है। गुण मारी ता मरसी, जे ए जीव कामण किधरे गुणा दी मारी हुई होवे तां तृष्णा मरदी है, अंधकार मरदा है, ते फिर चानन पैदा हुंदा है। उस चानने विच फिर अरदास प्रार्थना जो है जन्म लेंदी है। नाम भगत दे निज घर बैठे अधों ते नाड़ी आसा, हे प्रभु रहमत कर अपने घर विच बैठना नसीब करा। नाम दे भगती दे, और ए बेबलता ए मंग इतनी प्रबल उठती है, नानक मिलो कपट दर खोलो
एक घड़ी खटमासा। हे प्रभु तू अपने दरवाजे खोल, अपने कपाट खोल, हुण ते एक घड़ी दा विछोड़ा भी कई महीनिया वर्गा हो गया है। कत्तक दे महीने दा यही संदेश उपदेश।